सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले 4.5 वर्ष से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। युवराज सिंह तंवर आए थे और हमको ये अवगत कराया था कि बीजेपी इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन के बारे में बीजेपी के लिए हम काम कर रहे हैं और बीजेपी के से ही हम खुश हैं और ये जो आम सरकार आदमी की पार्टी है इससे हम बिल्कुल ना खुश हैं, ये हमें गुमराह कर रही है और इससे हम नाराज़ हैं। हम बीजेपी के साथ हैं 100%, हम हमारे डेरा गाँव की तरफ से बीजेपी का साथ देंगे। हमारा एक ही परिवार है ये और हमारे यहाँ लीडर है तो ब्रह्म सिंह है और हमेशा हम ब्रह्म सिंह का ही साथ देंगे। घर परिवार ने सभी ने हमारा मान सम्मान यहाँ पे रखा है। युवराज जी का विकास तंवर जी भी आए थे। केंद्र में भी सरकार है और निगम में भी है, लेकिन जब तक दिल्ली में विधानसभा की सरकार नहीं बनेगी तब तक दिल्ली का विकास कार्य ट्रेन पे जैसे दौड़ना चाहिए ना, जैसे ट्रेन दौड़ती है, दिल्ली का विकास उस प्रकार कभी दौड़ नहीं पाएगा। आज की हमारी जो मीटिंग युवराज के नेतृत्व में और विकास तंवर के नेतृत्व में जो गाँव वालों को प्यार सम्मान को मिला, बहुत अच्छी मीटिंग आज हमें देखने को मिली और सभी ने ये वचन दिया है कि हम आने वाले चुनाव में ब्रह्म सिंह तंवर जी को भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। समस्त डेरा गांव ब्रह्म सिंह के पोते के आचार विचार सुन करके बहुत खुश हुआ और आगे आने वाले चुनाव में डेरा गांव से 100% तो दुनिया कहती है, मैं 1000% कहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि डेरा गांव से बीजेपी की जय होगी, बीजेपी विजयी होगी। पहले भी हम तो बचपन से ही हमारे बाबा दादा और हम उन्हीं के सपोर्टर हैं और आज भी सपोर्टर हैं और सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि उनका साथ दो और भारी बहुमत से उनको विजय बनाओ। और धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य रहा उससे हम भी चाहेंगे कि पूरे गांव के लोग धार्मिक संस्कृति संस्कार के लिए एक बार मोदी जी को देखते हुए भाजपा को जिताए। मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन अपने ग्रैंडफादर से मिली, वो पॉलिटिक्स में लास्ट 40 ईयर्स से हैं। आज मेरा यहाँ आने का मेन मोटिव था कि हमारे यहाँ दिल्ली में एजुकेशन की बहुत कमी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले 500 नए स्कूल खोलने का वादा किया किंतु एक भी स्कूल नहीं खोला गया। जब 2013 में एक साल के लिए चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी जीते थे तब उन्होंने 16 स्कूल पास करने के लिए राष्ट्रपति जी को भेजे थे क्योंकि दिल्ली में कोई सरकार नहीं थी और राष्ट्रपति शासन था, जिनमें से 12 स्कूल पास हो गए थे और 4 भी उनमें कैंसिल नहीं हुए थे, उन पर कार्रवाई चल रही थी। 2 महीने बाद उनकी ज़मीन भी अलॉट करा दी गई थी किंतु 4.5 वर्ष से आम आदमी पार्टी के विधायक ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो स्कूल उनने खुद खोलने के लिए बोले थे उनके ऊपर तो फाइल भी नहीं बनाई गई। उसके बाद सीवरेज का बहुत बड़ा इशू है। जब चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी 2013 में जीते थे तब उन्होंने पूरी विधानसभा का सीवर पास कराया था पर लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक ने उस पर कोई काम नहीं किया। और पानी भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ में एक दिन भी नहीं रह सकते पानी के बिना और आम आदमी पार्टी के विधायक ने आज छतरपुर की जनता और मुख्यमंत्री ने पूरी दिल्ली की जनता को टैंकरों पर निर्भर कर दिया है। टैंकर के दलाल हैं, वो पैसे लेकर ही पानी भेजते हैं और यह दिल्ली के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और यह सरकार हमें थोड़े दिन में हटानी होगी। इसलिए आज मैं डेरा गांव आया हूं और डेरा गांव के सभी बुज़ुर्गों से उनका आशीर्वाद मांगने आया हूं कि वो आने वाले चुनावों में छतरपुर से चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी को विजय बनाएं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर एक वोट तीन सरकार के मुद्दे को उठाएँ। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निगम में भी, और बीच का एक डब्बा रह गया है जो है प्रदेश। और अब दिल्ली को 20 साल से ऊपर हो चुके हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी और दिल्ली 40 साल पीछे पहुंच चुकी है, इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली भी प्रगति की चोट को छुएगी। धन्यवाद।